हेलो दोस्तों, स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में। देखिए फ्रेंड, कौन बने करोड़पति के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे दोस्तों 29 मई से और ख़त्म हुआ दोस्तों 8 मई। 10 दिन चला रजिस्ट्रेशन, तो क्या दोस्तों पूरे 10 दिन में क्या सवाल पूछे गए उनका जवाब देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कीजिए दोस्तों 29 मई से 8 मई तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, पहले सवाल रजिस्ट्रेशन में 29 अप्रैल को पूछे गए 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति है। तो इसका दोस्तों चार ऑप्शन थे, सऊदी अरब, ईरान, और मोरक्को और मिस्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब थे ऑप्शन डी सही जवाब थे दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 30 अप्रैल में पूछे गए सवाल, शाहरुख खान अभिनेत्री हिंदी फिल्म पठान के निर्देशक कौन है। इसके चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन नंबर ए में थे अली अब्बास जाफर, ऑप्शन बी में सिद्धांत आनंद, ऑप्शन सी में कबीर खान, ऑप्शन डी में शंकुर बत्रा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद ने पठान निर्देशक थे दोस्तों पठान मूवी के। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 में पूछे गए 1 मई 2023 को, जो कि थे दोस्तों क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दुमला, पेटा और जापी जैसे पारंपरिक वस्तु शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है। इसके चार ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए गर्दन, बी दोस्तों थे शरीर, और सी माँ बा और डी पर पैर थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शेर, ऑप्शन डी बी सही जवाब हो जाएगा हेड। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन बी सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए 2 मई 2023 के, जनवरी 2023 के किस तबला वादक को पद्म विभूषण के सम्मानित किया गया था। इसके चार ऑप्शन थे, ऑप्शन ए में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन सी पंडित विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन डी में थे उस्ताद जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उस्ताद जाकिर हुसैन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 में पूछे गए थे 2023 में जम्मू और कश्मीर रियानो किस तैयबों का बड़ा भंडार मिला है, जो बैटरी का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके चार ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए में थे हीलियम, ऑप्शन बी में थे मैग्नीज, ऑप्शन सी में टाइटेनियम और ऑप्शन डी में लिथियम। तो लिथियम सही जवाब थे दोस्तों ऑप्शन डी सही जवाब थे, 3 मई का ऑप्शन डी सही जवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे गए हरमित कौर इनमें से किस महिला प्रीमियर लीग के टीम के कैप्टन है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन थे, ऑप्शन ए में थे मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी में गुजरात जायंट्स, ऑप्शन सी में यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन डी में दिल्ली कैपिटल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों 4 मई 2023 के ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 पूछे गए कुशल कारीगरी की सहायता के लिए 2023 में शुरू की गई केंद्र सरकार योजना का नाम हिंदू धर्म ग्रंथ किस भवन के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का चार ऑप्शन थे दोस्तों, पहले ऑप्शन पर विश्वकर्मा, ऑप्शन बी में थे भगवान धनवंतरी, ऑप्शन सी में थे भगवान कुबेर, ऑप्शन डी में थे कर्ण। तो देखिए इसका सही जवाब थे भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा दोस्तों कुशल कारीगर के सहायता 2023 को शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना के नाम हिंदू धर्मग्रंथ के नाम पर रखा गया विश्वकर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 5 मई 2023 के दोस्तों विश्वकर्मा सही जवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 9 में पूछे गए दोस्तों नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल यानी ओरिजिनल गीत के लिए MM किरवानी के साथ किसे ऑस्कर सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का चार ऑप्शन थे, ऑप्शन ए में थे बेल मुत्यु, ऑप्शन बी गुलजार, ऑप्शन सी में चंद्रबोस और ऑप्शन डी में थे दोस्तों SS राजमौरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रबोस, चंद्रबोस सही जवाब थे। 9th प्रश्नों का सही उत्तर दोस्तों चंद्रबोस थे 7 मई 2023 को पूछे गए। और देखिए लास्ट क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे गए इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मानित नहीं थे। तो इस प्रश्न के चार ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए में शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर, ऑप्शन बी में थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी में थे श्री के आर नारायण, ऑप्शन डी में थे राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों सही जवाब थे
8 मई 2023 को पूछे गए क्वेश्चन। और देखिए लास्ट में आप लोगों को दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे गए जो कि छूट गए थे दोस्तों। देखिए फरवरी 2023 किन दो देशों के बड़े भूकंप के वहां पर बहुत हानि हुई थी, तो इसके दोस्तों चार ऑप्शन थे, लीबिया में सियोर, ऑप्शन में तुर्की सीरिया, ऑप्शन सी में ईरान इराक और ऑप्शन डी में थे कनाडा अमेरिका। दोस्तों फरवरी 2023 के जो कि 6 फरवरी को हुई थी दोस्तों, दो देश जो कि तुर्की और सीरिया इन दोनों देशों में भूकंप बहुत बड़ा भूकंप हुई थी, जिसका दोस्तों 7.6 मेगावाट का भूकंप थे। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए 6 मई 2023 को। तो इन 10 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को क्या क्या आता था आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। तो दोस्तों ये सही जवाब थे दोस्तों, आज के 10 सवाल का जवाब मिल चुका है आप लोगों को। ये 10 क्वेश्चन पूछा गया था इस साल रजिस्ट्रेशन में, तो आप लोगों को पता चल गया दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया 29 अप्रैल से दोस्तों 8 मई तक। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, बड़ा पसंद है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से दोस्तों बीच वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का टाटा बाय बाय, जय भारत।